जींद जिले में सरपंच संगठन एक बार फिर सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। दरअसल जुलाना में 23 सितंबर को कृषि मंत्री जेपी दयाल का कार्यक्रम है। सरपंच एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम का विरोध करने की घोषणा की है। बता दें कि ई ट्रेडिंग प्रणाली को लेकर सूबे के सरपंच कई महीनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, जिस बात से खफा सरपंचों ने मनोहर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। वहीं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान सुधीर बुआना ने कहा कि हम ई ट्रेडिंग प्रणाली को रद्द करवाना चाहते हैं ताकि पंचायती राज एक्ट पूर्ण रूप से लागू हो सके। साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो सरकार के खिलाफ और भी बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। देखो 9 महीने हो गए ग्राम की सरकार बने हुए, वे 9 महीने से ही पंचायतें अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन में शामिल हैं, और जब इनके खिलाफ आंदोलन हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं भाई, ये जो हमारे पंचायती राज एक्ट के 73वें संशोधन में 29 अधिकार है वो पंचायतों को देने का काम करें। जब तक ये सरकार पंचायत को इसके पूरे अधिकार नहीं देती तब तक हम सारे आंदोलन में हैं, और इसी को लेकर ये जगह जगह पे अपना एक इन्होंने नाम दे रखा है जनसंवाद कार्यक्रम। वो वास्तव में जनसंवाद नहीं, जन विवाद कार्यक्रम है। जहां जहां इन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम करे हैं वहीं पे विवाद पनपा है। पीछे एक सरपंच महिला ने जनसंवाद कार्यक्रम में अपना दुपट्टा उतार के सीएम के पैरों में भी रखा था, अब मेरी ये मेरे पति के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, आप मामले की निष्पक्ष जांच करा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करिए। उसने हमारी हरियाणा की संस्कृति को ना समझते हुए उसको स्टेज से नीचे उतारने का काम कराया, कोई उसका मामला संज्ञान में नहीं लिया। जो इस प्रदेश का सीएम हरियाणवी संस्कृति को ना जानता हो तो इस पद पर रहने के काबिल नहीं है। तीनों ग्राम पंचायत शामिल है, नहीं तो 5 नवंबर को हम टोहाना की धरती से इसको जड़ मूल उखाड़ने का फैसला करेंगे, और आने वाले 2024 के चुनाव में वो प्रदेश से नहीं बल्कि देश से ही बार करने का रास्ता दिखाएंगे। कौन कौन सी पंचायत, जिला परिषद और ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायत, तीनों के अधिकार। ये बीजेपी एक बात कहती है कि एक झंडा एक संविधान एक निशान, ये संविधान की बात, जो संविधान के अंदर अध्यादेश में जो कानून है, जो अधिकार ग्राम पंचायतों के हैं वही तो ग्राम पंचायतें और आम ब्लॉक समिति और जिला परिषद मांग रही हैं। हमने बीडीपीओ साहब को भी ज्ञापन दिया था, कल हमने डीसी साहब को भी लिखित में दिया है, जिसमें मेजोरिटी के मेरे ग्राम पंचायत के पंचों के भी सिग्नेचर और सरपंच के भी सिग्नेचर है। वे अगर कोई भी गाँव में सांप्रदायिकता जातिवाद या कोई भी जान माल की हानि होती है तो उसके लिए कृषि मंत्री और प्रशासन जिम्मेवार होगा। हमारा ग्राम पंचायत का कोई विद्रोह करने का काम नहीं है, हम तो बिल्कुल शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो नारीबाजी करके हो चाहे वो काले झंडे दिखा के हो। और दूसरी बात, वह हमारी जो सार्वजनिक जगह है ग्राम पंचायत की मेन चौपाल है, वहां मेरा 23 तारीख का ग्राम पंचायत का प्रोग्राम है। मैं एकदम से लठ दे के जो ये काम करते हैं वो बिल्कुल हम कतई से नहीं करेंगे। मेन चौपाल के अंदर हमारी ग्राम पंचायत का प्रोग्राम है, हम बिल्कुल मेन चौपाल पे बिल्कुल चलने नहीं देंगे। बहरहाल हरियाणा में सरकार के खिलाफ सरपंचों का विरोध कम नहीं हुआ है, उल्टे ई ट्रेडिंग प्रणाली के विरोध में सरपंच सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कृषि मंत्री के कार्यक्रम के विरोध का ऐलान प्रशासन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। अब कल इस मामले में सरकार क्या रुख अपनाती है ये देखने वाली बात होगी। जुलाना से विजेंदर सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।